अक्षय तृतीया वो शुभ तिथि है कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता, कोई पंडित नहीं मिलता, आपने शुभ कार्य संपादित करना है तो इस दिन आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। आप कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत को आरंभ किया था, जो महाभारत हम जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। इसी दिन बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। 365 दिन में एक दिन यही होता है कि श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करवाए जाते हैं। परशुराम जी जिनको भगवत अवतार कहते हैं और सीताराम जी के विवाह के बीच में जिन्होंने हस्तक्षेप किया था और राम जी के प्रभाव को जान पाए थे, वो परशुराम जी आज के दिन ही अवतीर्ण हुए थे। द्रौपदी को अक्षय पात्र आज के दिन ही दिया गया था सूर्य देव की तरफ से। खासियत ये थी कि जब तक द्रौपदी उसमें खाएगी नहीं, उसमें से प्रसाद निकलता रहेगा। कारण यह कि जब वो जंगल में थे तो खाने की व्यवस्था कुछ खास नहीं थी। अगर उस समय कोई साधु संत या वैष्णव आ जाए तो द्रौपदी उनकी सेवा कैसे करेगी। गंगा जी का दिव्य अवतरण आज के दिन हुआ, जिन गंगा माता में स्नान करके करोड़ों लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो भगीरथ जी के आह्वान पे आज के दिन धरती पर विराजमान हुई थी। कि माधवेंद्र पुरीपाद जो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनको गोपाल जी ने आदेश दिया कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, कि मलिया जी चंदन बड़ा फाइन क्वालिटी का चंदन होता है, वहाँ से लेके आओ और मेरे पे लगाओ। और चंदन कितना, बुजुर्ग हैं इतने, और चंदन का वेट क्या है, 1 मन 40 किलो के करीब है वो चंदन, इतना भारी चंदन। इतने बुजुर्ग व्यक्ति का वहाँ से चंदन लाना, आप सोच सकते हो। हमें अगर 20 किलो का कुछ दिया जाए और बोला जाए कि इसको उठा के 1 किलोमीटर तक ले जाओ, हम ले जा नहीं सकते। और माधवेंद्र पुरीपाद जी कैसे भक्त हैं कि गोपाल जी ने एक बार बोला कि माधव मेरे शरीर में ना बहुत गर्मी लग रही है भैया, तो चंदन लाओ और मुझ पे लगाओ। तो चले गए, एक भी बार नहीं सोचा कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, चंदन मैं कैसे लाऊंगा। इसके पीछे कारण ये है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने चाहते। आचार्य ने लिखा, ऐ तार गाढ़ प्रेम लोक दिखाई थे और गोपाल तार आज्ञा दिले चंदन आनी थे। गोपाल जी ने अपने भक्त माधवेंद्र के हृदय के प्रेम को हम सबको यानी जगत को प्रकाशित करने के लिए आज्ञा दी कि देखो मेरा एक ऐसा भक्त है, एक बार इसको कहा कि मेरे शरीर पे चंदन लगाना है और इतना चंदन चाहिए, और बिना सोचे समझे निकल पड़ा। इतना बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत गहरा रहस्य है चंदन यात्रा महोत्सव के पीछे। हम थोड़ा सा किंचित मात्र उसको टच करेंगे कि जब माधवेंद्र पुरीपाद जी गोपीनाथ जी के यहाँ पर गए इतनी दूर पैदल सफ़र करके चंदन लाने के लिए, और चंदन का अरेंजमेंट हो भी गया, ठीक है, तो भगवान माधवेंद्र पुरीपाद जी के स्वप्न में आए और क्या कहा भगवान ने, दोबारा पहले आज्ञा दी चंदन लाओ, अब क्या कहते हैं भगवान, गोपीनाथ अमारो एक कोई अंग होए, यानी गोपीनाथ और मैं, यानी मैं गोपाल, हम दोनों का एक ही शरीर है। गोपीनाथ अमारो एक कोई अंग होए, वहाँ के चंदन दिला अमारे तापक है, उसको चंदन दो, यानी कि तुम गोपीनाथ जी के शरीर पे चंदन लगाओगे ना माधवेंद्र, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। गोपाल जी कह रहे हैं कि गोपीनाथ और गोपाल में कोई फर्क नहीं है। इसका क्या मतलब है, भगवान ये शो करना चाहते हैं कि कहीं पे भी ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि जैसे वृंदावन में राधा रमन जी बड़े हो गए, या राधा दामोदर जी बड़े हो गए, या बांके बिहारी जी बड़े हो गए, या फिर कोई और विग्रह बड़ा हो गया। देखो भगवान भगवान है, भगवान कहीं पे भी अवतीर्ण होंगे और जहाँ जहाँ पे अवतीर्ण होंगे तो समान शक्ति लेके अवतीर्ण होंगे। और देखो महाप्रभु ने क्या अपनी शिक्षा में हमें बताया कि इन सब मिसकॉन्सेप्शंस में ना पड़े, कौन बड़ा कौन छोटा। महाप्रभु ने दूसरे श्लोक में क्या कहा, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत्र अर्पिता। हे कृष्ण, आपने अपनी सारी शक्ति, यानी कृष्ण में जो सारी शक्ति है वो उन्होंने अपने नाम में डाल दी है। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये महामंत्र बोलते हैं, तो आप यकीन मानिए आप भगवान के दिव्य स्पर्श में आ जाते हैं। यू शुड बिलीव दैट व्हेन यू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा देन यू डायरेक्टली कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट डिवाइन पर्सनैलिटी। और डिवाइन पर्सनैलिटी कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी द कृष्णा हैज़, सच्चिदानंदमय विग्रह,
और देखो ना, कई भक्तों का एक क्वेश्चन है कि महाराज आज के दिन क्या किया जाए। देखो, जैसे नाम से पता चलता है, अक्षय, अक्षय मतलब जिसका नाश ना हो। लोग सोना खरीदते हैं कि सोना आज के दिन लेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा या बढ़ेगा नहीं तो कम से कम एक लेवल पे तो रहेगा। पर जो भक्त होते हैं वो आज के दिन क्या गेन करते हैं? आप 16 माला करते हैं, आप 32 करें, आप 8 करते हैं, आप 16 करें, मतलब डबल करें। कुछ भी भगवान के संबंध में करते हैं, डबल करें। आप कीर्तन आधा घंटा गाते हैं, आप 1 घंटा गाएं। देखो, आप इस दिन जितना गेन कर लोगे ना, वो अक्षय हो जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा।